हाय एवरीवन, दिस इज लवीना तिलवानी फ्रॉम बियॉन्ड टैरो और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑकल्ट फील्ड क्या होती है और उसमें हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। ये फील्ड जो होती है वो सेल्फ इनवाइटेड फील्ड होती है, इसमें हम जबरदस्ती नहीं घुस सकते हैं। जैसे मैंने देखा है कि पीपल who have numbers like 4, 7, 8, 2, 3 ये वाले जो लोग हैं ज़्यादा ऑकल्ट के लाइन में घुसते हैं। ऑकल्ट की जो लाइन होती है वो कोई फिक्स साइंस नहीं होती है। ऑकल्टिज्म इज़ नॉट अ फिक्स साइंस। उसमें आपके जो इंट्यूशंस होते हैं, आपका जो सेल्फ मेड एक ट्रस्ट होता है यूनिवर्स में, आपकी एक जो लगन होती है टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी, वो आपको ऑकल्ट में लेकर आती है। ऑकल्ट फील्ड होता क्या है? ऑकल्ट फील्ड ऐसी एक फील्ड होती है जहाँ पर हम नेचुरली थ्रू आर नंबर्स, थ्रू आर यू नो एंसेस्टर्स जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें इस तरफ भेजते हैं। अगर आप कहीं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो लाइफ में तो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो, तब भी आप ज़्यादा करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो आपके आंसर्स ढूंढने। अगर मैंने समझो कोई एग्जीबिशन लगाई है, औकात मैंने टैरो एग्जीबिशन लगाई है, उसमें कई सारे लोग आते हैं, हज़ारों लोग आते हैं, बट हर एक इंसान मेरे टेबल पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे वाले लोग मेरे पास अट्रैक्ट होंगे जो लोग बहुत ज़्यादा आंसर सीख कर रहे हैं, जो लोग अपने आप को खोज रहे हैं लाइफ में। उनको पता नहीं है कि उनका मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। वो लोग ज़्यादा ऑकल्ट की तरफ खींचे जाते हैं। तो हाउ कैन यू ग्रो इन ऑकल्ट? जिसमें आप क्या कर सकते हो, जितना हो सकता है आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करो, आपके लिए पॉजिटिव सोचो। चाहे आप बहुत लो या एकदम मीडियम फैमिली से हो, या आपकी इनकम से इतनी कम है कि आपका घर भी नहीं चल रहा है, बट आपकी पॉजिटिविटी से, आपके अच्छे माइंडसेट से, और आप जितना कनेक्ट करते हो यूनिवर्स से, लाइक आप अगर समझो मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हो, मैं आपको कोई रेमेडी दे रही हूँ या मैं आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक बता रही हूँ, अगर आपने वो ट्रस्ट करके और बिलीव करके उसको किया तो डेफिनेटली आप मुझसे भी ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो ऑकल्ट ऐसी चीज़ है जो बिलीव सिस्टम पे चलती है। अगर मैं किसी की हीलिंग्स कर रही हूँ या स्पेल्स कर रही हूँ और सामने वाला पूछ रहा है कि काम करेगी कि नहीं करेगी ये हीलिंग, ये स्पेल सक्सेसफुल होगी कि नहीं, या तो स्पेल जस्ट होके एक दो दिन हुए हैं, वो कहेगा कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ अफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो आपने जो इंटेंशन डाली है यूनिवर्स में कि काम नहीं कर रहा है, तो वो काम नहीं करेगा। फिर चाहे मैं बेस्ट हीलर हूँ, बेस्ट स्पेल कास्टर हूँ, तब भी आप पे वो वर्क नहीं करेगा। तो आप ऑकल्ट में तब ग्रो कर सकते हो जब आप यूनिवर्स में बिलीव करो, उसमें ट्रस्ट करो और सरेंडर करो। दिस इज हाउ यू कैन रियली ग्रो हायर एंड हायर इन टू द स्पिरिचुअल रीम। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर विद मोर एंड मोर फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए इस सिलसिले में, यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन 9820 5971 एंड आई विल बी सो ग्लैड टू हेल्प यू।